दोस्तों स्क्रीन पर मैंने एक इमेज इंसर्ट कर रखा है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आई के नीचे एरिया है ये काफी डार्क आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए। तो इसको आसानी के साथ आप कैसे कम कर सकते हैं? वैसे आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मिल जाता है, उससे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया और इस लेयर को हमें सेलेक्ट करना होगा, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सिंपली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करके जो इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पैनल में जाएंगे और पहले हम इसका सिलेक्शन बनाएंगे। तो सिलेक्शन आप लासो टूल का इस्तेमाल करके बना लें। तो टूल्स में जाएं, लासो टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली मैं सिलेक्शन बनाता हूं, थोड़ा दूरी से ही सिलेक्शन बनाएंगे। तो मैं यहां से सिलेक्शन बनाता हूं। सिलेक्शन बनाने के बाद इन दोनों को आपस में जो है मिला देंगे। उसके बाद इसमें हम फेदर भी देंगे, तो शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे और फेदर 10 पिक्सल में कर देता हूँ, ओके। और फिर इसका हम डुप्लीकेट करेंगे Ctrl J से, तो एक दो मैंने इसका डुप्लीकेट कर लिया है Ctrl J से, आपको इतना पार्ट मिल जाता है। उसके बाद ये जो फ्रंट का है यानी फर्स्ट लेयर है, इस पर मैं अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एरो शो करेगा, फिर सिंपली इस पर क्लिक कर दें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ये सेलेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर कट है ये जो एरिया आ रहा है आपका ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, चाहे इस पर क्लिक करें फिर इस पर क्लिक करें, कहीं पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है रैप हाईलाइट हो जाएगा। फिर सिंपली आप इस पर क्लिक करें और इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से, जितना आपको रखना हो उतना रखें। हल्का सा मैं कम कर लेता हूँ, बस इतना परफेक्ट आ रहा है। फिर इंटर प्रेस करें और या फिर आप इस टिक के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। अब दोबारा से लेयर पैनल में जाएंगे और इसको देख सकते हैं कि ये आपका फोटो कितना मैनेज हुआ है। आप देख सकते हैं ये एरिया यहाँ तक आ रहा है ब्लैक पार्ट, जबकि आपने इसको बिल्कुल मैनेज कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।